खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पेट परीक्षा की पहली पाली में पेपर लीक होने की खबर से मचा हड़कंप, प्रशासन के फूले हाथ पांव। सीतापुर के बाढ़ क्षेत्र में बांटे 23,190 लंच पैकेट, वितरित किया गया 75 कुंतल भूसा। पेट परीक्षा में धरा गया बिहार का मुन्ना भाई, सीतापुर में 44 केंद्रों पर 26,448 ने दी परीक्षा। अयोध्या में इस बार 37 घाटों पर 15,00,000 दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। केंद्र सरकार ने पीएम अजय योजना में उत्तर प्रदेश के 6,171 गांव किए चिन्हित। सीतापुर में भाजपा नेता के खिलाफ एकजुट हुए लेखपाल, काम न करने का किया ऐलान। पेट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ठहराव के लिए 9 जगहों पर की व्यवस्था। दिल्ली से लौटे सीतापुर सांसद राजेश शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया भ्रमण, पीड़ितों का बांटा दर्द। राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आपदा राहत की नई सहायता राशि को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत आपदा में किसी व्यक्ति के 40 से 60% तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर 74,000 रुपये की मदद राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। इसी तरह 60 से 80% तक अपंग होने पर 2,00,000 के स्थान पर 2,50,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि 4,00,000 रुपए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सांड व नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने पर 1 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 16,000 रुपए मिलेंगे। अब तक पीड़ितों को 12,700 रुपए मिलते थे। महाराजगंज के थाना बसंतपुर के न्यूजी मलहनी फलवरिया जिले का 14 साल का बच्चा नवरतन लाल की पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिया है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से उक्त बच्चा सदमे में है। वह घर वालों को बगैर बताए ही 525 किलोमीटर दूर सैफई की तरफ निकल पड़ा। जब वह इटावा स्टेशन पहुंचा तो एक यात्री से उसने सैफई का रास्ता पूछा। उसने लोगों से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के घर जाने की बात कही, जिस पर लोगों ने बच्चे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनपद महाराजगंज के नतनवा विधानसभा के पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना से फोन पर संपर्क किया और बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। पूर्व विधायक के साथ जब बच्चा अखिलेश यादव के पास पहुंचा तब बातचीत के बाद उन्होंने पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है।
सरयू में आई बाढ़ से राम की पैड़ी के घाटों तक पानी पहुंच गया है, जिसके कारण दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी के 37 घाटों तक दीपक बिछाने के लिए की जा रही मार्किंग का काम प्रभावित हुआ है। दीपोत्सव के लिए नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि समय रहते सभी काम हो जाएंगे। रामनगरी में 23 अक्टूबर को राम की पैड़ी के 37 घाटों पर दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी एक माह से चल रही है। इस बार राम की पैड़ी पर दीप जलाने का दायरा भी बढ़ाया गया है। पिछली बार 32 घाटों पर 10 लाख दीप जलाए गए थे, इस बार 37 घाटों पर 15 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। उन्होंने 21 अक्टूबर से दीपों को बिछाने का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात के SC छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग कार्य योजना तैयार कर रहा है। ये काम प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्योदय योजना PM अजय के तहत मंजूर किए जाएंगे। प्रयास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह योजना जमीन पर दिखने लगे। केंद्र सरकार ने PM योजना अजय योजना में UP के 6,171 गांव चिन्हित किए हैं। ये वे गांव हैं जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है। पहले चरण में इस योजना में उत्तर प्रदेश के 750 गांवों में काम हो रहा है। अलग अलग छात्रावास बनाए जाएंगे। प्रत्येक छात्रावास में न्यूनतम 50 विद्यार्थियों के रहने व खाने की व्यवस्था होगी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम ने बताया कि छात्रावास निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। लखनऊ सहित यूपी के अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को शनिवार को जैसे ही पहली पाली की परीक्षा प्रारंभ हुई, कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर परीक्षा के लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जल्द ही STF के ADG अमिताभ यश ने सोशल मीडिया में वायरल PET की प्रश्न पत्र को फर्जी करार दिया। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि प्रश्न पत्र को लेकर किया गया ट्वीट गलत है और शरारती है। उन्होंने कहा कि इस नंबर की सीरीज का प्रश्न पत्र प्रकाशित नहीं किया गया है। जो सीरीज बताई जा रही है वह PET 2021 में प्रकाशित की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अलीगंज स्थित ललित कला अकादमी में आयोजित 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा समय नहीं बीता है जब पोस्ट ऑफिस विकास का केंद्र बिंदु हुआ करता था। सूचनाओं का आदान प्रदान हो, पैसे भेजना हो या फिर छोटी बचत के खाते खुलवाना हो, इससे प्रदेश का हर गांव जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि टिकटों ने डाक विभाग के प्रति एक अलग आकर्षण पैदा किया है। इसके 300 से ज्यादा फ्रेम है जिसमें आजादी के बाद से अब तक के समय को दर्शाया गया है। भगवान श्री राम वनगमन पथ के 14 केंद्र भी स्पेशल कवर में दिखाए गए हैं। टिकट खुद में इतिहास को समेटे हुए है। यह रचनात्मकता से जोड़ता है। राम ने 12 वर्ष यूपी में बिताए हैं। ODOP स्कीम लागू करने में प्रदेश के 15 जिले फिसड्डी साबित हुए हैं, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष के शुरुआती 6 माह में ही 11 जिलों का रिकॉर्ड शानदार रहा। इन 11 जिलों ने लक्ष्य से कहीं ज्यादा काम करके दिखाया है। प्रदेश सरकार की इस योजना में नई इकाई स्थापित करने पर लिए गए ऋण पर 25% तक सब्सिडी का प्रावधान है। शुरुआती 6 माह में पूरे प्रदेश के लिए मार्जिन मनी स्वीकृत का 60% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य हासिल करने में कुल 47 जिले कामयाब रहे। वहीं 15 जिलों ललितपुर, बिजनौर, देवरिया, चंदौली, बाराबंकी, बागपत, उन्नाव, कौसाम्बी, जालौन, झांसी, चित्रकूट, बदायूं, सोनभद्र, महोबा और बांदा की प्रगति रिपोर्ट 50% से नीचे है। इनमें से बांदा, महोबा, सोनभद्र, बदायूं, चित्रकूट, झांसी, जालौन और कौसाम्बी में मार्जिन मनी स्वीकृत की प्रगति अभी तक 30% भी नहीं है। दूसरी ओर 11 जिले अमेठी, सीतापुर, गोंडा, संत कबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, मेरठ, एटा, अलीगढ़ और हाथरस की प्रगति 101 से 182.10% तक है। 8 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन NCC कैडेट के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, इस पर विस्तार से बताया गया। इसके अलावा कैडेट स्पेशल स्कीम, वजीफा और पुरस्कारों के बारे में जानकारी हासिल की गई।
11 बटालियन पीएसी सीतापुर में 22 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी सीतापुर का 8 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 223 का शुभारंभ प्रातःकाल हुआ। शुभारंभ अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल गौरव सिंघल ने कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने कैडेटों को एनसीसी स्पेशल स्कीम और वजीफों और पुरस्कारों के बारे में विस्तार से बताया। कैडेटों को जीवन में अनुशासन के महत्व को समझाया और बताया कि एनसीसी कैडेटों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने में भी अहम भूमिका निभाती है। शिविर में सीतापुर के 14 कॉलेजों के लगभग 350 बालक कैडेट और 200 बालिका कैडेट कुल लगभग 550 एनसीसी कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं। यह कैंप एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 22 उत्तर प्रदेश एनसीसी बटालियन सीतापुर के द्वारा आयोजित किया गया है। शिविर में कैडेटों को ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, मैप रीडिंग, प्राथमिक चिकित्सा, क्विज, खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर कैप्टन के सर वर्मा, लेफ्टिनेंट खान सादाब जमील, लेफ्टिनेंट पवन यादव, लेफ्टिनेंट राजीव भारती, लेफ्टिनेंट सुनील कुमार, चीफ ऑफिसर शिवमूर्ति, अपर्णा मिश्रा, नीतू सिंह, सूबेदार मेजर मनोज कुमार, सूबेदार मुकेश चंद्र, सूबेदार सत्यवीर सिंह, नायाब सूबेदार बिशुनदेव यादव, हवलदार राजेंद्र, हवलदार धर्मेंद्र, हवलदार राजबर, हवलदार सत्येंद्र, हवलदार सनी गुरुंग, हवलदार हिमालय, सूबेदार सहित समस्त कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। दिवाली के अवसर पर दीपदान काव्य संध्या का आयोजन हिंदी साहित्य परिषद एवं जगुआर सॉल्यूशन मीडिया स्टूडियो की तरफ से शहर के गजानंद कॉम्प्लेक्स में किया गया। विनोदनी रस्तोगी ने अध्यक्षता करते हुए दीप जलाया और कहा कि दीपावली की यह परंपरा पुरानी है। इसमें हम दीप जलाकर श्री गणेश व लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं। इस मौके पर रामदास वैश, मुजीब सीतापुरी, अवधेश गीतकार, संदीप सरस, चंदन वैश, मंजर यासीन, छाया त्यागी, पूनम मिश्रा, विपिन बिहारी व लक्ष्मी देवी ने काव्य पाठ किया। सीतापुर के बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने में प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। प्रशासन स्तर से ग्रामीणों को लंच पैकेट और खाद्यान्न वितरित किए जाने के साथ ही पशुओं के लिए भूसा भी वितरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण कर दवाइयां बांट रही हैं। डीएम अनु सिंह ने बताया कि बाढ़ क्षेत्रों में कुल 23,190 लंच पैकेटों का वितरण किया गया है, जिसमें शनिवार को बिस्वा में 10,000, लहरपुर में 7,590 एवं महमूदाबाद में 5,600 लंच पैकेट बाढ़ पीड़ितों को वितरित किए गए हैं। बाढ़ क्षेत्रों में कुल 2,126 खाद्यान्न पैकेटों का वितरण भी किया गया है, जिसमें बिस्वा में 926 एवं महमूदाबाद में 1,200 लंच पैकेट बांटे गए हैं। जिलाधिकारी अनु सिंह ने बताया कि इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा तहसील बिस्वा में 42 रोगियों का उपचार किया गया। 110 क्लोरीन गोली और ORS के पैकेट वितरण करने के साथ कुआं और गांव में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। डीएम ने बताया लहरपुर में 41 रोगियों का उपचार, 105 क्लोरीन गोली और ORS पैकेट वितरित करने के साथ कीटनाशक छिड़का गया। महमूदाबाद में 53 रोगी उपचारित किए गए, 130 क्लोरीन गोलियां बांटी गई और ORS पैकेट वितरण के अलावा कीटनाशक भी छिड़का गया। पशुपालन विभाग ने तहसील बिस्वा में शिविर लगाकर 60 पशुओं का उपचार, तहसील लहरपुर में 140 और महमूदाबाद में 432 पशुओं का उपचार किया गया तथा 75 कुंतल भूसे का वितरण भी किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 100 पशुओं को टीका भी लगाया गया। सीतापुर के गांजरी इलाके में घाघरा और सारदा का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत मिली है, लेकिन नदियां तेजी से कटान करने लगी हैं। घाघरा का पानी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर नीचे आ गया है। हालांकि अभी बैराजों से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। शनिवार को घाघरा बैराज से 1,37,000, सारदा बैराज से 1,46,000 और बनबसा बैराज से 43,000, कुल 3,37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तहसील बिस्वा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोलक कोडर का मजरा गार्गी पुरवा में घाघरा घरों और खेतों को निकल रही है। गांव के संदीप कुमार ने बताया कि श्री कृष्ण का 4 बीघे से अधिक खेत कट चुका है। खेत के साथ धान की खड़ी फसल भी कटान की भेंट चढ़ रही है। ग्राम पासिनपुरवा में नरेश छोटे कल्लू का मकान कट रहा है, जबकि राम लखन का मकान भी कटान की कगार पर जा पहुंचा है। उन्होंने बताया कि अगर 50 मीटर और कटान हुआ
तो गार्गी पुरवा का भी अस्तित्व मिट जाएगा, जबकि पासिन पुरवा उजड़ने की कगार पर है। तहसील बिस्वा क्षेत्र की ग्राम पंचायत असईपुर में बाढ़ का पानी सिमटने के बाद पशुओं में बीमारियां फैलने लगी हैं। गांव के कई पशु बीमार हैं। ग्राम प्रधान राम प्रसाद ने बताया कि अधिकतर पशुओं में बुखार की शिकायत पाई जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग की कोई टीम बाढ़ का पानी सिमटने के बाद भी गांव नहीं पहुंची है। उन्होंने बताया कि काफी पहले गांव में कुछ पशुओं को टीके लगे थे, अधिकतर का टीकाकरण भी नहीं हुआ। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगस्ती सुकुलपुरवा और उनके करीब डेढ़ दर्जन मजरे रह रहे नागरिकों की शिकायत है कि कोई उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। बगस्ती के प्रधान श्रीराम ने बताया कि गांव में कुमार लेखपाल भी नहीं आए हैं। तहसीलदार महमूदाबाद मनीष कुमार ने बताया कि बगस्ती गांव और उसके मजरे में अगर लेखपाल नहीं पहुंचे तो जानकारी कर राहत सामग्री बंटवाई जाएगी। अभी तक कलवापुर सुकुलपुरवा कनरखी केवड़ा अटौरा आदि प्रभावित गांवों में 4,700 राशन किट बंटवाई जा चुकी हैं। इसके अलावा लंच पैकेट, मच्छरदानी, टार्च, फल, पानी की बोतल आदि भी वितरित की गई है। कुल 7,000 किट बांटी जानी है। रेउसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विस्थापित परिवारों की महिलाओं व किशोरियों के लिए डिग्निटी किट का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राशन किट का वितरण लगातार बाढ़ पीड़ित परिवारों को किशोरगंज चौकी व मारू बेहड़ चौकी पर किया जा रहा है। तहसीलदार बिस्वा अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि आज मारू बेहड़ व किशोरगंज में विभिन्न प्रभावित गांवों के 2,000 लोगों को राशन किट वितरित करने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 1,000 का वितरण कर चुके हैं। शेष वितरण जारी है। डिग्निटी किट का वितरण रोड पर विस्थापित लगभग 1,000 परिवारों की महिलाओं व किशोरियों को दिया जाना है, जिसका वितरण अनवरत चल रहा है। वितरण का कार्य मारू बेहड़ बाढ़ चौकी पर तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह और किशोरगंज चौकी पर नायब तहसीलदार विदेह सिंह द्वारा किया गया है। अब तक 50,000 राशन किट का वितरण किया जा चुका है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता पढ़ाकर सीतापुर में संपन्न हुई पहली पाली में पेट की परीक्षा में बैठने में मुन्ना भाई सफल रहा। यह मुन्ना भाई खैराबाद के JLMDJ इंटर कॉलेज में पकड़ा गया, जो बहराइच के रोहित की जगह परीक्षा दे रहा था। विकास नाम का यह मुन्ना भाई मधुबनी बिहार का रहने वाला है। परीक्षा के दौरान पुलिस और स्वाट टीम ने विकास को पकड़ा। पुलिस की तरफ से मुन्ना भाई से पूछताछ की जा रही है। 2 दिवसीय पेट परीक्षा के पहले दिन सुल्तानपुर, बहराइच, श्रावस्ती आदि जनपदों से आए परीक्षार्थियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थी लंबी दूरी पर सेंटर बनाए जाने से तो परेशान हुए ही, केंद्र तक पहुंचने के लिए उन्हें भी काफी दिक्कतों से जूझना पड़ा। परीक्षार्थियों की इस मजबूरी का फायदा रिक्शा और ई रिक्शा चालकों ने उठाया। पहली और दूसरी पाली में मिलाकर कुल 40,272 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से दोनों पालियों में 26,448 ने परीक्षा दी और 13,824 ने परीक्षा से किनारा कर लिया। परीक्षा संपन्न कराने के लिए 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 47 स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 5 रिजर्व सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। DIOS कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा की प्रथम पाली में 7,067 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से ही किनारा कर लिया। कुल पंजीकृत 20,136 परीक्षार्थियों में से 13,069 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी पाली के लिए 20,136 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 13,389 ने परीक्षा दी और 6,757 अनुपस्थित रहे। करीब 34% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीतापुर में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 2 दिवसीय परीक्षा के लिए 80,544 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। प्राचीन धार्मिक स्थल को जाने वाले रास्ते को 4 माह से बांस बल्ली बांधकर बंद कर रखा गया है।
इसकी शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस की सिधौली में अध्यक्षता कर रहे डीएम अनुज सिंह को शिकायती पत्र देकर की गई। तहसील सिधौली क्षेत्र के काजी कोला गांव निवासी भानु ने डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि मार्ग पर बांस बल्ली बांध दिए जाने से धार्मिक स्थल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इसके लिए तली व साबिर को आरोपी ठहराया है। शिकायत यह भी है कि एसडीएम को कई बार शिकायती पत्र दिए गए मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। डीएम ने बताया जांच कर कार्यवाही की जाएगी। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुघरा में छात्रों को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर जागरूक किया गया। संचारी रोग से बचाव हेतु विद्यालय की अध्यापिका स्मिता सिंह एवं नीतू ने TLM के माध्यम से हाथ धोने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया। इस अवसर पर विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह मौजूद रहे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया। मुख्य अतिथि CDO अक्षत वर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। डायट प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार व BEO आराधना अवस्थी ने भी बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में डेटॉल कंपनी के जिला प्रमुख सरदार रंजीत सिंह मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय शिवपुरी में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर बच्चों को प्रधानाध्यापक डॉक्टर अनुपम मिश्रा द्वारा हैंड वॉश के तौर तरीके सिखाए गए। इस दौरान विद्यालय की शिक्षिका ऋतु भदौरिया, कमला देवी, सुमन वर्मा उपस्थित रही। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे प्राथमिक विद्यालय सिल्हापुर में संपन्न हुई। चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजयी प्रतिभागियों को तौलिया, हैंड वॉश, साबुन आदि देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से संपन्न हुई। इसके अलावा सभी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में कलर पेंसिल वितरित किया गया। हैंड वॉश करने के सभी 8 स्टेप बच्चों को सिखाए गए। बच्चों को साफ सफाई का नियमित जीवन में उपयोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक संतोष गुप्ता, शिक्षक संतोष निषाद, रामलखन, रामलली, वर्ल्ड विजन इंडिया के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमित सिंह उपस्थित रहे। कोटेदारों के बाद अब राशन हड़पने का आरोप शिक्षकों पर भी लगने लगा है। ताजा मामला ब्लॉक रेसा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बाछेपुर का प्रकाश में आया है। कई अभिभावकों ने शिक्षक शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शनिवार को विद्यालय में पहुंचे अभिभावकों ने राशन और ड्रेस वितरण को लेकर नाराजगी जाहिर की है। संतराम, अशोक कुमार, दिवाकर, जगमोहन, विक्रम, दीपक, रामू, रामकुमारी, सुंदरी, माया देवी ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में तैनात शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय भी नहीं आती, उन्हें 4 माह से राशन नहीं मिला है। कोटेदार के पास तो जाओ तो कहा जाता है कि स्कूल में मिलेगा। यहां जानकारी करने पर बताया जाता है कि कोटेदार के पास जाओ। ऑनलाइन ट्रेडिंग के आड़ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुदरा व्यवसाय को तबाह कर रही हैं। यह कंपनियां देश का अधिकतर राजस्व विदेशों में भेज रही हैं। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा से मिलकर यह बातें व्यापारियों ने रखी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने सांसद को 4 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। मांग पत्र के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग केस खुदरा व्यवसाय को जीवित रखने के लिए इन कंपनियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की मांग की गई है। सांसद से आग्रह किया गया है कि भारतीय खुदरा व्यवसाय को जीवित रखने हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक संगठन की मांग पहुंचाई जाए। इस मौके पर नगर अध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी, नगर उपाध्यक्ष विनय गुप्ता, बबलू गुप्ता, हर्ष जायसवाल, उमंग गौर, शिवा शर्मा, अनूप राजवंशी आदि व्यापारीगण उपस्थित रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची पीड़ित महिला के चेहरे पर उस समय मुस्कान तैर गई जब जिला अधिकारी अनुज सिंह ने मौके पर उसकी समस्या का समाधान कर दिया। जिलाधिकारी ने सरोजनी पत्नी स्वर्गीय दीपू निवासी ग्राम बेरियापुर मजरा बहरुआ तहसील सिधौली की वरासत न होने की शिकायत पर तत्काल उसकी वरासत करवाई, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो गया। डीएम अनुज सिंह ने SP घुले सुशील चंदभान के साथ तहसील सिधौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष कुल 160 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 2 को मौके पर न्याय मिल गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह ने विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थी परक योजनाओं के संबंधित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जाए।
जिससे पात्रों को समय से लाभान्वित किया जा सके। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी न्यायिक सिधौली राखी वर्मा, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। तहसील सिधौली के अलावा तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 34 प्रार्थना पत्रों में से 5, तहसील सदर में प्राप्त 28 प्रार्थना पत्रों में से 2, तहसील लहरपुर में प्राप्त 30 प्रार्थना पत्रों में से 2, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 26 प्रार्थना में से 3, तहसील महौली में प्राप्त 44 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील बिस्वा में प्राप्त 32 प्रार्थना पत्रों में से 3 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत निवादा के ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवसी सिधौली पहुंचकर शिकायती पत्र दिया। अध्यक्षता कर रहे डीएम अनुज सिंह को अमरपाल सिंह, मुलहे हीरालाल, कमलू हरिनाम, रामदयाल, बबलू, नौमीलाल, जितेंद्र सिंह, गुड्डू सिंह आदि ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उनकी ग्राम पंचायत निवादा में पात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड बिना जांच किए दिए गए थे। सभी राशन कार्ड धारकों ने मामले की जांच कराकर फिर से राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग की है। जनपद सीतापुर के खैराबाद उप संभागीय परिवहन कार्यालय रविवार 16 अक्टूबर को भी खुला रहेगा। इस दिन लाइसेंस संबंधी कार्यों को छोड़कर अन्य समस्त कार्य संपादित किए जाएंगे। यह जानकारी एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने दी। उन्होंने बताया कि राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति एवं लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए उक्त तिथि को कार्यालय खुला रखने के निर्देश विभागीय कर्मचारियों को दिए गए हैं। नगर सिधौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर स्थित आधार पब्लिक स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाया गया। बच्चों ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। विद्यालय के संचालक त्रिप्रेश वाजपेयी ने बच्चों को उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए कहा। कार्यक्रम में शिवानी, विभा मिश्रा, नव्या, प्रिंसेस सवेरा, आन्या शुक्ला, हरिराम जायसवाल, सौम्या प्रजापति, कार्तिक चक्रवर्ती, नौनिका विश्वकर्मा, मान्या मिश्रा, निवान, काव्या, शिवांशु वाल्मीकि, कार्तिक वाल्मीकि आदि ने भागीदारी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा सीतापुर के जिला प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को वैचारिक कार्य पद्धति, अनुशासन एवं भाजपा का इतिहास और विकास से रूबरू कराया गया। शहर के गुरु कृपा गेस्ट हाउस में आयोजित जिला प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा शिवभूषण सिंह रहे। उन्हें वैचारिक एवं कार्य पद्धति पर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। अध्यक्षता महामंत्री भाजपा सीतापुर एवं युवा मोर्चा प्रभारी रोहित सिंह ने की। आयोजन का नेतृत्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा ने किया। दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नितिन मित्तल रहे। नितिन मित्तल ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग केवल भाजपा में आयोजित किया जाता है। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा ने की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के तृतीय सत्र के मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र भाजपा की महामंत्री नीरज वर्मा रहे। अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अमन विक्रम सिंह ने की। चतुर्थ सत्र में मुख्य अतिथि जिला महामंत्री भाजपा रोहित सिंह ने मार्गदर्शन किया। अध्यक्षता जिला मंत्री जया सिंह ने की। कार्यक्रम में तरुण शुक्ला, अनूप विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष विकास वर्मा, नमन वर्मा, अभिषेक रणंजय सिंह, वैभव सिंह, मयंक टंडन, जयपाल शर्मा, जितेंद्र गुप्ता, नितिन रस्तोगी, अखिलेश शर्मा, नीरज शुक्ला, शैलेंद्र शुक्ला, राम प्रताप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी प्रतीक पांडे आदि मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा के प्राथमिक विद्यालय कड़बड़ा में ग्लोबल हैंडवॉश डे पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। बच्चों ने चित्रकला में भाग लेने के बाद हाथ धुलाई के 8 स्टेप को जाना। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर गोविंद सेन ने बताया कि अनेक बीमारियों से बचने के लिए खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद, खाना बनाने व परोसने से पहले, बच्चों के मल निस्तारण के बाद, पालतू जानवरों को छूने व समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोएं। इस अवसर पर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हाथ धोने के तरीके, कीटाणु व बीमारियों को भी समझाया गया। प्रोत्साहन स्वरूप बच्चों को हैंडवॉश, तौलिया, साबुनदानी उपहार में भेंट दिए गए। विकासखंड खैराबाद की ग्राम सभा टकपुरवा स्थित पवित्र भुइया ताली तीर्थ में लोधी एकता समिति द्वारा आयोजित लोधी सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि सांसद एटा पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवीर सिंह ने लोधी समाज को एकजुट होकर राष्ट्र के उत्थान में पूर्व की भांति सहयोग करने का आह्वान किया।
सम्मेलन में प्रदेश मंत्री शंकर लोधी ने विचार रखे। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजनकर्ता कमल सराय, उदासीन आश्रम के प्रबंधक महंत बजरंग मुनि व समिति के पदाधिकारियों सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह, विधायक देवेंद्र सिंह, जवाहर मोदी, वीरेंद्र मोदी, पूर्व विधायक अनीता राजपूत, समाज सेवी बबलू गुप्ता आदि मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सीतापुर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह 16 अक्टूबर को पदाधिकारियों व अन्य कार्यकर्ता के साथ बाढ़ क्षेत्र लहरपुर और बेहटा का भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटेंगे। उनके द्वारा पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की जाएगी। जिलाध्यक्ष के साथ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ललित सिंह, प्रदेश महासचिव वकील अहमद, आशीष शर्मा, नसीम अभय और सज्जाद और कई कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी अनूप पांडे ने दी। तहसील सिधौली में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे डीएम अनुज सिंह को ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत निवादा निवासी रंजीत सिंह की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा है कि गन्ना विकास परिषद कमलापुर द्वारा 18 जुलाई 2015 में उसरी संपर्क मार्ग से ललुआ संपर्क मार्ग तक बनवाई गई 1135 मीटर लंबी सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। जनपद स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के करण त्रिपाठी विजयी हुए और उन्हें मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया। प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज बलदेव नगर मानपुर में हुआ। राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के छात्र करण त्रिपाठी व स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज बलदेव नगर मानपुर के छात्र के बीच मुकाबला हुआ। तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम चंदेसुआ के बाढ़ पीड़ित 500 परिवारों को क्षेत्र के ग्राम शाहपुर स्थित टीन सेड में राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर एसडीएम अनुपम मिश्रा, तहसीलदार सचिविन द्विवेदी ने बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि शासन और प्रशासन आपकी परेशानी में आपके साथ है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एवं तहसील प्रशासन की टीम मौजूद रही। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से नगर बिस्वा में मोहल्ला मंगरहिया बाजार बदाल पुरवा हजीरा कमगरी टोला और बड़े चौराहा तहसील परिसर एसडीएम आवास तहसीलदार आवास मिस्टरगंज रोड थाना कोतवाली पावर हाउस के आसपास ब्राह्मणी टोला एसजेडी कॉलेज रोड सड़कों और सरकारी गलियों में मच्छर रोधी कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। व्यापार मंडल के जिला प्रभारी मोहित जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक बिस्वा मनीष सिंह, बार एसोसिएशन बिस्वा के अध्यक्ष कमलेंद्र वाजपेयी, आशीष मिश्रा, पीयूष वाजपेयी, अरुणनाथ सिंह सिराज, पत्रकार मनोज वर्मा, विजय अवस्थी, बबलू वर्मा, पीयूष शर्मा, डॉक्टर लतीफ, अतुल त्रिवेदी, आशीष गुप्ता, पंकज शुक्ला, हरशंकर गुप्ता, सिद्धार्थ शंकर, बिलाल अयूब खान, कुलदीप अवस्थी, विजय वाजपेयी, शिवकुमार गुप्ता, प्रताप भार्गव, अभिषेक मिश्रा, प्रवीण श्रीवास्तव, विशाल गुप्ता, राजू जैन, लकी श्रीवास्तव, धैर्य गुप्ता, अंशु रस्तोगी, धर्मेंद्र रस्तोगी, रोहित भल्ला, वांछित शर्मा, वंश मल्होत्रा, बादल मौर्य, पीयूष मौर्य, सनी गुप्ता, पंकज मौर्य, विक्की भल्ला, अजय निगम, दीपू रस्तोगी, विवेक रस्तोगी, अभिषेक रस्तोगी, अनुज रस्तोगी, अनिल रस्तोगी, अप्पू अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, जुबेर, पवन रस्तोगी, गप्पू पंडित, राकेश नंद, अनुराग, हर्ष रस्तोगी, अशोक श्रीवास्तव, चांद मियां आदि मौजूद रहे। बाढ़ पीड़ितों को तहसील स्तरीय पदाधिकारी लगातार राशन किट और लंच पैकेट वितरित कर रहे हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह के दिशा निर्देश में सभी तहसीलों में राहत सामग्री पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है। एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश त्रिपाठी ने बताया कि तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 5600 लंच पैकेटों का वितरण किया गया है। अब तक लगभग 4086 राशन किटों का वितरण किया गया है। लगभग विभाग की 4 टीमों द्वारा दवा वितरण भी किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी बिस्वा पीएल मौर्य ने बताया कि बिस्वा तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं बाढ़ चौकियों के साथ म्योढ़ी छोलहा गोलक कोडर के मजरे जंगल टपरी नई बस्ती चहलारी आदि जगहों पर 7000 फूड पैकेट 1600 राशन किट एवं श्याम नगर सुंदर नगर वय नागिन पुरवा में 700 डिग्रिटी किट का वितरण किया गया। बिस्वा तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहकारिता विभाग द्वारा मानपुर मल्लापुर लखनीपुर राय मरोड़ में 500 लंच पैकेटों का वितरण किया गया है।
सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने मारू बेहड़ बाढ़ क्षेत्र में जाकर पीड़ितों का दर्द साझा किया। सांसद ने ग्रामीणों से धैर्य रखने के लिए कहा एवं आश्वस्त किया कि सभी बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। अधीक्षक से कहा कि यदि सीएससी में दवाओं की आवश्यकता हो तो उससे अवगत कराया जाए, जिस पर अधीक्षक द्वारा दवाओं की कमी ना होने की बात कही गई। इसके साथ ही सांसद राजेश वर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मारू मेउड़ी छुलहा का भी निरीक्षण किया और वहां के बाढ़ प्रभावित लोगों से उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। एम्स के सेवानिवृत्त वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर भारत भूषण सिंह सिसोदिया का हनुमत रामेश्वर दयाल इंटर कॉलेज बिस्वा में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। उन्होंने 1975 में इसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। इस अवसर पर पंडित कन्हैयालाल गीता विद्यालय के प्रबंधक पवन कुमार मिश्रा, प्रमुख समाज सेवी गौरव मिश्रा, गोलू हनुमत रामेश्वर दयाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जयचंद, प्रवक्ता देवेंद्र पांडे, वीरेश मिश्रा, वरिष्ठ साहित्यकार पद्मकांत प्रभात, रामचंद वर्मा, आशीष मिश्रा, अश्विनी कुमार त्रिपाठी, साहित्यकार पद्मकांत प्रभात, आशुतोष तिवारी, अतुल त्रिवेदी, सुरेश मौर्य, राजीव मिश्रा आदि ने डॉक्टर बीवी सिंह सिसोदिया का माल्यार्पण किया। कार्यक्रम को प्रमुख रूप से प्रिंसिपल जयचंद एचआरडी इंटर कॉलेज बिस्वा के प्रधानाचार्य जयचंद, प्रवक्ता देवेंद्र पांडे, प्रबंधक पवन मिश्रा, आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा प्रबंधक सुरेश मौर्य, राजीव कुमार मिश्र आदि ने संबोधित किया। सीतापुर में पेट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा स्टेशन रोड स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय, रेलवे स्टेशन रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, नेपालापुर स्थित माता रानी मंदिर, आरएमपी इंटर कॉलेज परिसर स्थित शिव मंदिर, इनकम टैक्स कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, आर्यनगर स्थित सीताराम मंदिर, काशीराम कॉलोनी स्थित रामलला मंदिर, सदर बाजार स्थित गेस्ट हाउस में ठहराव की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों के लिए रविवार को भंडारा आयोजित किया जाएगा। प्रांत सह संयोजक बजरंग दल उत्तम सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों की समस्याओं को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने विशेष प्रबंध किए हैं। नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद प्रमोद कुमार सिंह, विभाग अध्यक्ष विपुल सिंह, कमलेश सिंह, संदीप सक्सेना, सूरज साहिल ठाकुर, बबलू त्रिपुरेश शुक्ला, संदीप आदि का विशेष योगदान रहा। भुइया तालिक तीर्थ खैराबाद पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शांति नगर मछरेटा रोड पर कमाल सराय संगत खैराबाद प्रबंधक महंत बजरंग मुनि दास की अगुवाई में सांसद एटा राजवीर सिंह, फरुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत, प्रदेश संगठन मंत्री शंकर लाल लोधी, विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद लोधी, विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी, विधायक वीरेंद्र लोधी, केंद्रीय भंडारण निगम केंद्रीय मंत्री अनुपमा लोधी, विधायक हरिओम वर्मा, विधायक देवेंद्र लोधी, पूर्व विधायक डॉक्टर अनीता लोधी ने स्वागत किया। एसडी प्रॉपर्टी शांति नगर मछेटा रोड खैराबाद के ऑनर अभिषेक गुप्ता और बबलू गुप्ता द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के लेखपालों ने विभागीय कार्यों को न करने का ऐलान किया है। लेखपाल एक भाजपा नेता के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आरोप यह है कि नायब तहसीलदार दिलीप कुमार के साथ भाजपा नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा के शाहपुर मंडल अध्यक्ष वासुदेव पांडे द्वारा अभद्रता की गई है। लेखपालों ने लहरपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि केस दर्ज न होने और कार्रवाई न किए जाने तक वह काम पर नहीं लौटेंगे। दूर संचार सलाहकार समिति सीतापुर की बैठक में सर्विसेज मोबाइल ब्रॉडबैंड FTTH नोफन मिशन 500 4G सेचुरेशन योजना आदि के प्रगति की जानकारी दी गई। बैठक में सांसद राजेश वर्मा ने भारत सरकार द्वारा जारी रिवाइवल पैकेज नोफन परियोजना के तहत पूर्ण किए गए कार्यों पर चर्चा की। सलाहकार समिति के सदस्य सांसद राजेश वर्मा, मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार वाजपेयी, रामजीवन वर्मा, रामपाल मौर, गुड्डू सीमा वर्मा, शशिकांति तिवारी महाप्रबंधक दूरसंचार व्यापार क्षेत्र सीतापुर, साकेत कुमार वर्मा, मुकेश कुमार गुप्ता, साइबल बोस, अरविंद कुमार, राजीव कुमार, अजय यादव, सचिन जायसवाल, अवनीश कुमार पाल, सुनील श्रीवास्तव, अभय विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। मार्ग दुर्घटना के मामले की जांच उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा की जाएगी।
एसडीएम सदर ने बताया कि 10 अक्टूबर को भोलागंज तिराह कस्बा व थाना बिस्वा जनपद सीतापुर पर बस संख्या यूपी 34 TCT 5501 निगम बस लखनऊ क्षेत्र कैसरबाग डिपो बस संख्या यूपी 33 AT 4775 संचालित थी, जिसके द्वारा जलालपुर थाना कमलापुर में कार नंबर यूपी 32KN 3113 एवं मोटरसाइकिल संख्या यूपी 34M 4305 से हुई टक्कर में सीमा सिंह पत्नी विश्वपाल सिंह ग्राम लेखा थाना सदना जनपद सीतापुर की मृत्यु हो गई थी। विश्वपाल सिंह पुत्र सत्यव सिंह आदिश व आदर्श निवासी गढ़ ग्राम लेखा थाना सदना जनपद सीतापुर घायल हो गए थे। उक्त घटित दुर्घटना के प्रकरण में दुर्घटना की जांच हेतु उन्हें जांच अधिकारी नामित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि उक्त प्रकरण से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी हो तो उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के कार्यालय न्यायालय में 29 अक्टूबर 2022 तक लिखित अथवा मौखिक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर।